अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो जो पुलवामा के अंदर जो दहशतगर्दों ने जो कायराना हरकत की है, जो हमारे देश के सीआरपी के फौजियों को धोखे से जो आरडीएक्स से उड़ाया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। और इस कायराना हरकत के लिए मैं कहना चाहूँगा पाकिस्तान से या इनके जो भी इनको इन आतंकवादियों को, इन दहशतगर्दों को जो भी इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन सब से कहना चाहता हूँ कि ये जो इंसानियत को जो आप ख़त्म कर रहे हैं, ये बंद कर दीजिए। अरे आप लोग वो लोग हैं, ये आतंकवादी, ये दहशतगर्द वो है कि शोपिया के अंदर अभी कुछ दिन पहले एक लड़की का अपहरण करते हैं, वो हाथ जोड़ रही है, माफ़ी मांग रही है, अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही है, उसको गोली मार देते हैं। ये हमारी माँ बहनों के साथ ऐसा कर रहे हैं, हमारे देश के जो सैनिक है, हमारे फौजियों को धोखे से आरडीएक्स से उड़ा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों को कि आप ये जो भी इनको इनको पाल पोस रहा है, जो दहशतगर्दों को पाल रहे हैं, जो पोस रहे हैं, मैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ कि ये सब हरकतें बंद कर दें। हिंदुस्तान खामोश रहने वाला नहीं है, हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की अवाम चुप बैठने वाली नहीं है, बहुत हो गया है। और मैं कहना चाहता हूँ हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जी से भी, हमारी सेना के जो भी जनरल है, उन सब से भी कहना चाहता हूँ कि इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि ये दहशतगर्दों को पालना पोसना और बेगुनाह हमारे शहीद थे उनको धोखे से हमारे सैनिकों को शहीद कर देना, ये कोई हिम्मत की बात नहीं, ये कोई सूरमागिरी नहीं है। तो मैं पाकिस्तान से और इन दहशतगर्दों से कहना चाहता हूँ कि अपनी हरकतें बंद कर दें, और ये जो कातिलाना हमले कर रहे हैं, इंसानियत को ख़त्म कर रहे हैं, इसको बंद कर दें। मैं कश्मीर के नौजवानों से भी कहूँगा कि ये जो कश्मीर को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, इस जन्नत को बर्बाद कर रहे हैं, इनके बहकावे में मत आइए, इनके कहने से पत्थर मत फेंकिए, वहाँ पे अमन सुकून और मोहब्बत पैदा हो उसके लिए काम करिए। आपको पता लगता है कि कहीं पे दहशतगर्द है तो आप आर्मी को बताइए, सीआरपीएफ को बताइए, ताकि इनका इलाज हो, इनको गोलियों से ख़त्म किया जाए। और सब लोग मिलके, कश्मीर की आवाम, कश्मीर के नौजवान, हिंदुस्तान की फौजें, सब मिलके इन जालिमों का, इन दहशतगर्दों का हम लोग इलाज करेंगे। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि ये जो हमारे शहीद हुए, इनके घर वालों को हौसला दे, हिम्मत दे, सब्र दे, और जो लोग इसमें घायल हुए हैं हमारे सैनिक, उनको शिफा हो। और हमारे मुल्क में ये जो कातिलाना हमले हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, बंद हो। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी से और आर्मी के चीफ से कहना चाहूँगा कि इनका मुंहतोड़ जवाब दें, और हमारे सैनिकों का जो बलिदान हुआ है, जो इन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, इसका बदला लिया जाए। अल्लाह हाफिज़।